हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री वाटरप्रूफ जो मोबाइल होते हैं अंडर 30,000। तो जो नंबर तीन पे जो मोबाइल है ना, उसका नाम है सैमसंग गलेक्सी FE, सैमसंग गलेक्सी 21 FE। ये एक्चुअली दो साल पुराना है, लगभग दो साल पुराना हो गया, लेकिन आज भी इसका मतलब बहुत अच्छा है, चल रहा है और वाटरप्रूफ है, 5GB है इसमें, तो ऑल ओवर फ़ोन बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। और इसमें जो मेन है कि इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा पुराना हो गया है, पर लगभग आपको स्कोर जो है बाकी जो अभी तक के जो मिड रेंज फ़ोन है अराउंड 30,000 लगभग सेम है। और इसका मेन प्लस पॉइंट है कि आपको सैमसंग का ब्रांड भी मिलता है इसमें, और इसमें IP68 है। इसमें क्या है कि आपको मिल जाएगा 8GB रैम, 128GB रोम, और इसका जो कैमरा है आपको 12+12+8 मेगापिक्सल बैक प्राइमरी कैमरा मिलेगा जो आपका बैक कैमरा होगा, और 32 मेगापिक्सल का आपका फ्रंट कैमरा होगा। इसकी जो बैटरी होगी अराउंड 4500 mAh की बैटरी है, थोड़ी बैटरी कम है, पर इसका प्रोसेसर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, अच्छा खासा आप अच्छी गेमिंग ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं इसमें। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है, तो ऑल ओवर बहुत अच्छा पैकेज है, खास कर वाटरप्रूफ फ़ोन है तो इस रेंज में अराउंड 30,000 में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा फ़ोन है, आप आराम से कंसीडर कर सकते हैं। सैमसंग का डिस्प्ले जो है डिस्प्ले आपको पता ही अच्छे होते हैं इनके, पर इसका डिस्प्ले अराउंड 1080p है, जो आगे आने वाले दो फ़ोन हैं उनका डिस्प्ले इससे अच्छा है। तो जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन जो है रेडमी नोट 13 Pro Plus, इसमें आपको मिल जाएगा सेम ही 8GB 128GB का ऑप्शन भी है, 12 to 256GB का भी ऑप्शन है। इसमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 200 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। तो जो 200 मेगापिक्सल के साथ आपको वॉइस सपोर्ट भी मिलता है इसमें। इसका जो बैटरी बाकी जो मैं बताया, मैंने भी फ़ोन एक गलेक्सी S21 FE, उसका जो बैटरी उससे भी ज़्यादा है, जो आने वाला फ़ोन है उससे भी ज़्यादा है, अराउंड इसका 5000 mAh बैटरी है। इसका प्रोसेसर भी दोनों फ़ोनों से अच्छा है, तो ऑल ओवर ये फ़ोन भी अच्छा है, साथ में वाटरप्रूफ के साथ आता है। और इसका जो डिस्प्ले है वो आपका सैमसंग गलेक्सी S21 FE से अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो सैमसंग गलेक्सी S21 FE है उसका डिस्प्ले था 1080p और इसका डिस्प्ले है 1.5K डिस्प्ले है, तो इसका जो पिक्सल पर इंच होता है PPI ये भी इसका ज़्यादा है, तो और ऑल ओवर जो शार्पनेस जो है आपको पिक्चर क्वालिटी में वो इसका ज़्यादा मिलेगा। इसमें साथ में जो चार्जर है, इसको प्रमोट किया जाता था मैक्सिमम हाइपर चार्ज बोल के, इसका जो चार्जिंग स्पीड है 120 वॉट का इसमें अडेप्टर दिया जाता है, और चार्जिंग इतनी कैपेसिटी है कि कर सकता है, तो अराउंड जैसे कंपनी क्लेम करती है 19 मिनट में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। तो ऑल ओवर फ़ोन अच्छा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है मोटोरोला का है, मोटोरोला Edge 50। ये मोटोरोला Edge 50 जो है बहुत अच्छा फ़ोन है, अराउंड इसका कैमरा और वगैरह सब कुछ अच्छा है। ये जो पहले जो फ़ोन निकाला था मोटोरोला ने, मोटोरोला 40 वगैरह इन्होंने निकाला था, और उसमें इतना कैमरा का क्वालिटी इतना अच्छा इंप्रूव नहीं था, लेकिन जो आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं मोटोरोला के 50 वगैरह भी जो निकाले, 50 फ्यूज़न करके भी आया, एक 50 भी आया अभी जस्ट, तो ये फ़ोन का जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। इसमें जो मेन हाईलाइट जो बाकी दो फ़ोनों में नहीं था, इसमें टेलीफोटो लेंस दिया एक्स्ट्रा, जिसके कारण आपका जो कैमरा क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसका जो फ्रंट कैमरा है बहुत अच्छा है, अराउंड 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और जो प्राइमरी कैमरा है जो 50 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया है। आपका रेडमी नोट 13 प्रो प्लस था, उसमें भी 1.5K, इसमें भी 1.5K, जो पर जो सैमसंग था उसमें 1080p डिस्प्ले था, तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसका जो रिफ़्रेश रेट जो है, इसका 144Hz का रिफ़्रेश रेट है, और जो पहले जो फ़ोन था रेडमी नोट 13 प्रो उसमें था 120Hz का रिफ़्रेश रेट था। इसका जो चार्जिंग है ऑन दी बॉक्स आपको सिर्फ मिलेगा 68 वॉट का ऐसे चार्जर मिलेगा आपको, पर ये जो इसका जो है आप इसको ले सकते हैं चार्जर, जो फ़ोन जो सपोर्ट करता है 120 वॉट का ये भी सपोर्ट करता है, तो आप आराम से कंसीडर कर सकते हैं। बाकी लुक वाइज जो फ़ोन है, लुक वाइज आपको किसी को रेडमी पसंद आएगा और किसी को मोटोरोला पसंद आएगा, और किसी सैमसंग का फ्लैट डिस्प्ले है, ये दोनों कर्व डिस्प्ले हैं, जो रेडमी का फ़ोन भी एक कर्व है और मोटोरोला का फ़ोन भी कर्व है। तो मोटोरोला का जो डिस्प्ले है, मेरे को तो अगर मेरे से कोई पूछे कौन सा लेना है तीनों में से, तो मैं तो मोटोरोला की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से वाटरप्रूफ फ़ोन बना रहे हैं और इनका कैमरा क्वालिटी काफ़ी इन्हेंस हो गया है,
तो ऑल ओवर लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, और रेडमी का थोड़ा मतलब अच्छा है लुक वाइज भी, पर मेरे को एज ए पूछा तो मुझे मोटोरोला की तरफ ही जाऊंगा मैं। मोटोरोला का जो H50 है बहुत अच्छा लगा मुझे, पर इस बैटरी का थोड़ा कम है, तीनों फ़ोनों में सबसे कम बैटरी शायद इसी का है, बाकी रेडमी का भी अच्छा है, पर ऑल ओवर ठीक है, इतना चल जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं ऐसी वीडियो और भी बनाऊँगा टेक के रिलेटेड। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।